जिन लोगों को अपने प्राण प्रिय स्वजन गंवाने पड़े हैं उन परिवारों के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। यहां के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अपने आप में एक लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा काम इस धरती को सहना पड़ा है। आतंकवाद कितना भयंकर है, कितना निर्दयी है, यह दुनिया भली भांति जान गई है। गत वर्ष दुनिया के 90 देश किसी न किसी आतंकवादी घटना के शिकार थे, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और दूसरी तरफ सैकड़ों मां बाप हैं जो आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनके संतान आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं, आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं, आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है और इसलिए समय की मांग है कि जो भी मानवता में विश्वास करते हैं दुनिया की उन सारी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद से मुकाबला करना हो। मानवतावादी शक्तियों में बिखराव नजर आ,
कभी गुड टेररिज्म, बहुत बैड टेररिज्म, वो जाने अनजाने में आतंकवाद को एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता है। और इस पे समय की मांग है कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे। भारत 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे, शहीद हुए। और भारत जब दुनिया को चीख चीख करके कहता था कि आतंकवाद निर्दोषों के जीवन का दुश्मन बन चुका है, मेरा स्वयं का अनुभव है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत है हमें समझाती थी कि आतंकवाद नहीं है, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन जब धरती पैरों के नीचे से हिलने लगी, तब दुनिया को पता चला कि आतंकवाद क्या है। नाइन इलेवन ने दुनिया को झकझोर दिया, तब तक दुनिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत कितने बड़े संकट को झेल रहा है। लेकिन भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं। और झुकने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला ये बहुत बड़ी चुनौती, मैंने दुनिया के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, अलग अलग सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े हुए नेताओं से बात की और उनको मैंने समझाया कि आतंकवाद को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। पिछले दिनों भारत में विश्व के लिबरल इस्लामिक स्कॉलर का एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। दुनिया के कई देश के इस्लामिक स्कॉलर आए, सूफी परंपरा से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक स्वर से कहा कि आतंकवादी जो इस्लाम की बात करते हैं वो इस्लाम नहीं है, ये तो अन इस्लामिक बात करते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में इस प्रकार का स्वर उठेगा, उतनी तेजी से जो नौजवानों का रेडिकलाइजेशन हो रहा है,
उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ बम बंदूक और पिस्तौल से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। हमें समाज में एक माहौल पैदा करना है। ये देश का दुर्भाग्य देखिए, दुनिया का दुर्भाग्य देखिए, मानवता का दुर्भाग्य देखिए। यूनाइटेड नेशन, युद्ध क्या होता है, युद्ध में किसने क्या करना चाहिए, युद्ध से क्या संकट होते हैं, युद्ध को रोकने के क्या तरीके होते हैं, यूएन के पास चाहिए, सब चीज लिखी पड़ी नहीं है। लेकिन आतंकवाद के लिए पूछो तो अभी यूएन को भी पता नहीं है कि क्या आतंकवाद होता है और कैसे वहां पहुंचा जाए और कैसे निकला जाए। क्योंकि उनका जन्म युद्ध के भयानकता में से पैदा हुआ और इसलिए युद्ध के दायरे के बाहर सोच नहीं पा रहे। नए चुनौती है, मानवता को चुनौती है, उसको आंकने में भी विश्व का इतना बड़ा संगठन अपना दायित्व निभा नहीं पा रहा। भारत ने सालों से यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया है कि आप एक रिजोल्यूशन पारित कीजिए जिसमें डिफाइन कीजिए कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी देश है, कौन आतंकवादियों को मदद करते हैं, कौन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। एक बात ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा तो लोग उसे जुड़ने से डरना शुरू कर जाएंगे, हटने का प्रयास। मैं नहीं जानता हूं यूनाइटेड नेशन कब करेगा, कैसे करेगा, लेकिन जिस प्रकार के हालत बन रहे हैं, अगर इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा तो वो संस्था भी इरेलेवेंट होते हुए देर नहीं लगेगी। अगर समय के साथ चलना है, चुनौतियों को समझना है और 21वीं सदी को सुख शांति और चैन की जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है तो विश्व के नेतृत्व ने भी जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी और अब जितनी देर करेंगे उतना नुकसान ज्यादा होने वाला है। आज मैं दिन भर यहां के नेताओं से मिला, यू के नेताओं से मिला, विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन हर बात के सेंटर पॉइंट आतंकवाद रहा। आतंकवाद ने कितना झकझोर दिया है ये मैं सब नेताओं से आज मिल रहा था तो मैं अनुभव कर रहा हूं। और वो फिर मुझे मेरे से कहते थे, आप लोग तो 40 साल से जेल रहे, काफी अनुभव है आपका। आज पूरा विश्व आर्थिक संकटों से भी गुजर रहा है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देशों की इकोनॉमी आज हिल चुकी है। ऐसे समय सारी दुनिया एक स्वर से कहती है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, हर कोई एक स्वर से कह रहे हैं कि दुनिया में अगर आज कोई आशा की किरण है, कोई लाइट ऑफ होप है तो वो भारत। आज विश्व में जो बड़ी इकोनॉमी है,
उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में आज उसने दुनिया में अपनी जगह बना ली। ये नसीब के कारण नहीं हुआ है, ईश्वर ने भरपूर कसौटी की है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। अगर दिशा सही हो, नीतियां स्पष्ट हो और इससे भी बढ़कर के नियत साफ हो, और मोदी जी भारत जैसे देश को कोई रोक नहीं सकता है, भारत आगे बढ़ सकता है। कभी कभार बहुत सी चीजें हैं जो शायद आपको टीवी पर देखने को न मिलती हो, अखबार में पढ़ने के लिए न मिलती हो, कभी कभार नरेंद्र मोदी ऐप पर दिखाई देती हो, सोशल मीडिया में दिखाई देती हो, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता चलेगा कि कैसे बदलाव आ रहा है। चीजें इतनी हैं कि मुझे कागज की मदद लेनी पड़ेगी, ऐसे मैं थोड़ा कम मैं सिर्फ 2015 का हिसाब दे रहा हूं आपको, और मैं मानता हूं लोकतंत्र में जनता जनार्दन को हिसाब देना ही मेरा दायित्व है, और मैं अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक मानता हूं। तो आपके सेवक के नाते मेरा दायित्व बनता है मैं आपको हिसाब दूं। हमारे देश में शुगर के गन्ना किसानों का 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपया बकाया रहना ये आम बात है। मिल वाले कहते हैं कि चीनी बिकी नहीं वो उसको पैसे देते नहीं, आप बताइए 25-30 हजार करोड़ रुपया किसान का बाकी रहेगा तो जाएगा कहां। इस बार दुनिया में चीनी के दाम गिर गए, चीनी का उत्पादन बहुत हो गया, भारत से चीनी बाहर जाने लगे थे, भारत में दाम बढ़ने लगे थे, गन्ना किसानों का क्या होगा। हमने एक दिन निर्णय किया कि हम इथेनॉल बनाएंगे, और हमने एक नियम कंपल्सरी किया कि हमारे पेट्रोलियम के अंदर 5% इथेनॉल कंपल्सरी मिक्स करना होगा। में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इथेनॉल का पैदावार हुआ। हमारे देश में मैं जब प्रधानमंत्री बना
तो मुझे मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां आती थी। तो मुख्यमंत्री की चिट्ठी स्वाभाविक है, मुझे खुद को पढ़ना होता है। और चिट्ठी में एक ही विषय होता था, मोदी जी यूरिया की बड़ी कमी है, यूरिया फर्टिलाइजर यूरिया की। हर मुख्यमंत्री यही चिट्ठी। कभी खबर आती थी कि यूरिया खरीदने के लिए रात रात किसान बेचारे दुकान के बाहर क्यों लगा के खड़े। कभी खबर आती थी कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, यूरिया लेने के लिए गए थे लाठीचार्ज। अभी मुझे हमारे कुछ एमपी मिले, बोले साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरिया के लिए कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस वर्ष मुझे 2015 में एक भी मुख्यमंत्री ने चिट्ठी नहीं लिखी कि यूरिया नहीं मिला। देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन 2015 में हुआ और संकट में हमने हमारे देश में अमीरों की सरकारें जब होती हैं तो अमीरों को गैस सिलेंडर मिलना, और पहले तो जमाना ऐसा था गैस सिलेंडर लेना है तो एमपी के हम लोग जाते थे, साहब जरा सिफारिश करो ना गैस सिलेंडर मिल जाए। 2015 में एक वर्ष में गरीबों को सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश के नागरिकों से अपील की थी कि अनाज की कमी है, हम लोग एक टाइम खाना छोड़ दें। और यहां कई पुराने जमाने के लोग बैठे होंगे, पूरा हिंदुस्तान सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाता, अनाज बचाने का। लाल बहादुर शास्त्री की शब्द की वो ताकत थी। मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, कहां लाल बहादुर शास्त्री और कहां एक चाय बेचने वाला। लेकिन मैंने देश के सामने एक रिक्वेस्ट की, जो संपन्न लोग हैं उन लोगों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सरेंडर कर दिया, एक सिलेंडर पर 250 रुपया करके क्या रखा है, छोड़ दो। आपको जानकर के खुशी होगी, मेरा इतनी सी बात हो, वो भी मैंने कोई बहुत बड़ा कैंपेन नहीं किया था, ऐसी बातों में बता दिया था। हिंदुस्तान में 90 लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। जब मैं कहता हूं ना देश प्रगति कर रहा है, उसका कारण 125 करोड़ देशवासी हैं, ये उसका उदाहरण है। 90 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी और 90 लाख लोगों ने, उसमें कोई बहुत बड़े अमीर लोगों की बात नहीं, सामान्य रिटायर्ड टीचर, उसको लगा मोदी जी ने कहा है मुझे छोड़ देना चाहिए। और हमने कहा अगर आप छोड़ते हो तो मैं उस गरीब मां को एक गैस सिलेंडर दूंगा, जो मां लकड़ी के चूल्हे जला करके धुएं में रोटी पकाती है, बच्चों को खिलाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मां चूल्हे में लकड़ी जला करके अगर खाना पकाती है तो एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है, 400 सिगरेट्स।
आप कल्पना कर सकते हैं उस मां की तबीयत का क्या हाल होता है, और उस घर में छोटे छोटे बच्चे उस धुएं के अंदर कैसा गुजारा करते हैं। इस एक बात ने मुझे बड़ा पीड़ा किया और मैंने तय किया कि गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर क्यों ना हो। और उसका परिणाम है कि गत एक वर्ष में आजादी के बाद सबसे ज्यादा गरीबों को गैस सिलेंडर दिए। इस बार बजट में हमने एक संकल्प घोषित किया कि आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवार जिनके घर में लकड़ी का चूल्हा है उनको गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा और पहला कनेक्शन का खर्चा सरकार भुगतेगी और धुएं में से उन माताओं को बाहर निकालेगी। ২০১৫ में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ। मैं जो सबसे ज्यादा बोल रहा हूं ना इसलिए लिख करके रखो कि मैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा बोल रहा हूं। पहले खबर आती थी कोयले में इतने हाथ पाले हुए, पता है ना क्या आता था, पता है ना कोयले के कारोबार का मालूम है ना क्या आता था। इस बार सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन 2015 में हुआ। 2015 में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ। 2015 में हिंदुस्तान के बंदरों पर जो गुड्स आया, सामान आया, वो सबसे ज्यादा सामान बंदरगाह पर उस माल की ढुलाई हुई, सबसे ज्यादा। मतलब व्यापार बढ़ा होगा तब माल आया होगा गया होगा। 2015 में पहले हमारे यहां बंदरगाह पर स्टीमर आता था तो 3 दिन 4 दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता था क्योंकि किनारे पर बैठे हुए लोगों को जब तक खुश नहीं करता था। आपको तो मालूम है ना जब हिंदुस्तान जाते हैं तो खुश कैसे करते हो। अंदर खड़ा है, किनारे पर आता नहीं, माल उतरता नहीं, कितना खर्चा होता था। गत वर्ष कम से कम समय में बंदरगाह पर स्टीमर आने और जाने में समय कम से कम लगा। सारी बिचौलिए पद्धतियां बंद हो गई, स्टीमर आता था, माल उतरता था, दूसरा माल भरता था, स्टीमर चल पड़ता था। बदलाव आ रहा है देश में। 2015 में देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ। मतलब पशु भी सुखी हुए होंगे, गाय भैंस बकरियां भी तो खुश हुई होगी। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, जो वोट नहीं देते उनका भी भला करते हैं। आजादी के बाद एक वर्ष में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि मेरा मत है हिंदुस्तान में रेलवे ये सिर्फ यातायात का साधन नहीं है। हिंदुस्तान में रेलवे हमारी आर्थिक गतिविधि की रीढ़ है, स्पाइन। अगर उसको बल दिया जाए, उसका एक्सपेंशन किया जाए, उसको मॉडर्नाइज किया जाए
तो देश में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। 2015 में हाईवे राजमार्ग सबसे ज्यादा एक साल में ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट अगर दिए गए 2015 में दिए। 2015 में गाय भैंस ने दूध तो ज्यादा दिया ही दिया, लेकिन 2015 में सबसे ज्यादा कार का भी उत्पादन हुआ। गाड़ियां मोटर व्हीकल्स सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में 2015 में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। सॉफ्टवेयर आईटी यहां होंगे काफी। 2015 में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुआ भारत से। 2015 भारत में कुछ नियम, कुछ आदतें, कुछ तरीके, उसके कारण दुनिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग आते हैं उसमें हम बहुत पीछे रहे हैं। एक साल के भीतर भीतर उसमें सुधार लाए और 12 अंक हमारी परिस्थिति में सुधार हुए। ये पहली बार हुआ और आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको नजर आएगा। देश आजाद होने के बाद 2015 में विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व 2015 में। 1980 के काल में, और ये कहकर के हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये कहकर के हुआ था कि ये बैंकों पर गरीबों का अधिकार होना चाहिए और इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आजादी के 60 साल के बाद भी हिंदुस्तान के 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक के दरवाजे देखे तक नहीं थे। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि बैंक के दरवाजे उसके लिए भी खुल सकते हैं। हमने आते ही एक अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है बैंकिंग, उससे जुड़ना चाहिए। और आज मुझे खुशी है करीब करीब सभी नागरिक आज बैंक व्यवस्था से प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से जुड़ गए। 21 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले। 21 करोड़ आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हुआ। और हमने ये करना था तो हमने नियम बनाया था कि जीरो बैलेंस से भी बैंक अकाउंट खुलेगा, नहीं तो सामान्य बैंक का नियम होता है 50 रुपया 100 रुपया रखोगे तब बैंक अकाउंट खुलता है, करो स्टेशनरी का भी तो खर्चा होता है। हमने कहा नहीं, गरीब है, जीरो अमाउंट से खोला जाएगा। आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, मैंने इस योजना के तहत एक बहुत बड़ी चीज देखी और वो है गरीबों की अमीरी। अमीरों की गरीबी तो बहुत बार नजर आती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की तरफ नजर बहुत कम जाती है। सरकार ने कहा था जीरो अमाउंट से बैंक बैलेंस जीरो होगा तो भी अकाउंट खुलेगा, लेकिन मेरे देश के गरीबों की ताकत देखिए कि उन्होंने ये सोचा नहीं भाई मुफ्त में कैसे ले सकते। हमारे देश का गरीब सोचता है और उसका परिणाम ही आया 34,000 करोड़ रुपीज, 34,000 करोड़ रुपया इन गरीबों के बैंक में जमा हुआ। बैंक से लेकर के भागने वाले एक है,
क्या होती है ये साफ नजर आता है। हमने हमारे देश में एक बात तो भ्रष्टाचार को लेकर तो सब लोग पीड़ित हैं। व्यापारी लोग कहते हैं जरा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता है। क्या करप्शन खत्म नहीं होता? नहीं हो सकता। मैं आज विश्वास से कहता हूं कि हो सकता है। थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। भारत में ये जो गैस सिलेंडर जाते हैं घरों में, एक एक सिलेंडर पर 250-300 रुपया सब्सिडी जाती है और करीब 18-19 करोड़ गैस सिलेंडर जाते थे हर वर्ष और उतनी सब्सिडी जाती थी। हमने एक जैम योजना बनाई है, JAM, जनधन आधार मोबाइल। बैंक में जनधन अकाउंट, आधार यूनिक आइडेंटिटी कार्ड और एम मोबाइल। हमने जो गैस सब्सिडी जाती थी उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया और दूसरा किया कि हम एक गैस सिलेंडर बेचने वालों को सब्सिडी नहीं देंगे, जो गैस लेता है उसके खाते में सीधी सब्सिडी जमा करेंगे। बाजार में जाकर के उसको जो दाम है वो देना है देगा, लेकिन उसके सब्सिडी उसके खाते में जाएगी। इसका परिणाम यह आया कि पहले जो सरकारी खजाने से सब्सिडी जाती थी उसमें से करीब 3-4 करोड़ लोग पता ही नहीं चला वो पैदा हुए थे नहीं। ये सब्सिडी जाती थी, आपको जानकर के हैरानी होगी, करीब करीब 14-15 हजार करोड़ रुपए की चोरी बड़ी आराम से हो रही थी, बंद हो गई। अरे एक बार की नहीं, हर वर्ष होता था। इतना इतने सालों में कितना गया होगा? अब मुझे बताइए, मोदी ऐसा करेगा तो मोदी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? इसके कारण कुछ लोग तो होंगे जिसका नुकसान हुआ होगा, वो चुप बैठे हुए थे और इतना खाया होगा तो उनकी चिल्लाने की ताकत भी तो ज्यादा होगी, इसलिए वो चारों तरफ बोल रहे मोदी बेकार है, मोदी कुछ नहीं करता, मोदी कुछ नहीं करता। ये सुनने को मिलेगा, बहुत स्वाभाविक है कि सालों से इस प्रकार की मलाई खाने की आदत वाले लोग हैं उनकी जरा हालत बहुत खस्ता है। मैंने यूरिया का बताया कि यूरिया उत्पादन तो ज्यादा हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे देश में किसानों को यूरिया में बहुत सब्सिडी दी जाती है। साल की करीब 80,000 करोड़ रुपया किसानों को यूरिया सब्सिडी में जाता है, लेकिन ये यूरिया खेत में पहुंचता है क्या? यूरिया केमिकल फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। अब उनको सब्सिडी वाला सस्ते में यूरिया मिले तो उसकी जो केमिकल प्रोडक्ट है वो सस्ते में तैयार हो गए तो उसमें मुनाफा ज्यादा होगा और इसलिए उनके सांठगांठ रहता था। कारखाने से यूरिया निकलता था खेत में जाने के लिए, लेकिन जाता था केमिकल के कारखाने और सरकार की सब्सिडी जाती थी। हमने एक काम किया, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। हमारे यहां जो नीम के पेड़ होते हैं उसकी जो फली होती है उसका ऑयल निकाल करके यूरिया पर उसका कोटिंग किया। इसके कारण यूरिया में एक्स्ट्रा
न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी और वो जमीन के लिए बड़ा फायदा देने वाली होगी। अगर रूटीन में 10 केजी यूरिया उपयोग करते हैं लेकिन नीम कोटिंग वाला है तो 7 केजी से चल जाता है, जमीन का भी भला होगा। लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि नीम कोटिंग वाला यूरिया इसके सिवा किसी काम नहीं आ सकता। और परिणाम यह हुआ कि ये जो यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था वो बंद हो गया, वो किसान के खेत में जाने लग गया। और परिणाम यह आएगा, अभी उसका हिसाब निकल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की चोरी बंद हो। और आप सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों को बदला भी जा सकता है और परिणाम लाया भी जा सकता है। हमारे देश में एक आदत ऐसी है कि बड़ा योजना घोषित करो, एयर कंडीशन हॉल में दिया जलाओ, टीवी अखबार में आ जाए तो आपका जय जय काम चलता है, बहुत अच्छा काम आएगा, कोई नीचे देखता ही नहीं क्या। मैंने हिसाब लगाया एक बार, अभी देश आजादी को 60 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 70 साल हो जाएंगे अगले साल। कितने गांव ऐसे हैं जो अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 18th सेंचुरी में जीने वाले गांव कितने हैं जहां पर अभी तक बिजली का एक खंभा भी नहीं पहुंचा है। मैंने हिसाब लगाया तो करीब 18,000 गांव ऐसे मिले कि जहां अभी बिजली का खंभा 21वीं सदी में पहुंचा नहीं है। मुझे बताइए, सुनकर के आपको दुख होता है नहीं होता है? 60 साल देश की आजादी, 70 साल होने जा रहे हैं, क्या इतना काम हमें नहीं करना चाहिए था क्या? होता है, देखिए अब वहां से कहां आवाज आएगी। हमने तय किया ये काम करने, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई, मैंने पूछा बताओ भाई कैसे करो, बोले साहब कर तो देंगे। मैंने कितना समय लगेगा, बोले 7 साल लगेंगे। कठिन है ये बात, ठीक है, बड़ी मुश्किल तरीन में है। मैंने कहा भाई ये 7 कुछ कम हो सकता है? तो उनको लगा जरा प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब 6 साल में कर। खैर सुन लिया मैंने, मैं भी क्या करता हूं, काम तो उन्हीं से लेना है। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले से मैंने बोल दिया कि 1000 दिन में 18,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे। वो काम शुरू हुआ, अब तक करीब 7 महीने हुए हैं, 250 दिन भी नहीं हुए। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 18,000 गांव में से 7,000 से ज्यादा गांवों में बिजली का खंभा आप में से भी किसी में इंटरेस्ट हो तो GARV गर्व इस पर आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो पूरी डिटेल ऐप पर है, गर्व ऐप है, उस ऐप पर पूरी डिटेल है कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं है, किसको जिम्मेवारी दी है, आज किस गांव में खंभा पहुंचा, आज किस गांव में गड्ढा खोदा, किस गांव में खंभा खड़ा हुआ,
किस गांव में तार पहुंचा, कहां बिजली चालू हुई, मिनट टू मिनट हिसाब आपके मोबाइल फोन पर आ रहा है। आप इस ऐप को आपको देख सकते हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और इसके कारण अफसरों को भी लगा लिया, अब तो काम करना पड़ेगा। और कहीं कोई गलती करता है तो हम सामने से कहते हैं कोई गलत जानकारी है तो मैं बताओ। मैं समझता हूं कि ऐसी अकाउंटेबिलिटी, ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है और लाने में हम सफल हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप विचार करिए, हमारे देश में बालिकाएं स्कूल क्यों छोड़ देती हैं? तो हमने जरा सर्वे किया कि बच्चियां पढ़ती क्यों नहीं गांव में, तीसरी चौथी कक्षा में ही छोड़ देती हैं। उसका एक कारण यह ध्यान में आया कि स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। इस एक कारण वो बच्ची तीन चार कक्षा में आती है, संकोच होने लगता है, स्कूल छोड़ देती है। हमने अभियान चलाया, टॉयलेट बनाना, 4.25 लाख स्कूलों में टॉयलेट बनाने का काम पूरा कर दिया बच्चियों के लिए। आज कोई स्कूल ऐसी सरकारी नहीं बची जहां टॉयलेट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक विषय को लेकर के पूरी ताकत से उनको जोड़ करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा में हम प्रयास करते रहते हैं। अब उसका नतीजा यह है कि आज विकास तेज गति से हो रहा है। पर डे पहले अगर रोड एक दिन में 2 किलोमीटर बनते थे एवरेज, तो आज हम उसको 20-22 किलोमीटर पर ले गए पर डे। कहां 2-3 किलोमीटर, कहां 20-22 किलोमीटर। रेल की पटरियां, रेल का मिडिल गेज से ब्रॉड गेज बनाना, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी पर ले जाना, बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है। हमने तय किया भारत रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में जाएगा, सोलर एनर्जी की दिशा में जाएगा। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हमने लक्ष्य रखा है। भारत में ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेगावाट क्या है वो समझते थे, गीगावाट तो पहली बार सुना देश ने, हम मेगावाट तक चलते थे बस। पहली बार देश ने 175 गीगावाट का लक्ष्य तय किया, पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ क्या भारत ये कर सकता है। और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि ठीक टाइम टेबल से काम चल रहा है और भारत ये उसको अचीव कर रहा है। सोलार एनर्जी में बहुत बड़ा काम आज सरकार के द्वारा हो रहा है और उसका परिणाम हमारे देश के सेना के जवान पिछले 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं। ORP निवृत्त सेना के जवान उसके लिए मांग कर रहे थे, आप भी शायद पर निवृत्त फौजी बैठे होंगे, लेकिन सरकार वादे करती रहती थी और कभी 200 करोड़ रुपया बजट में डालना और कहना कि हम ORP लाएंगे। ORP लाना है तो कम से कम हर साल 10,000 करोड़ रुपया लगता है। पहले की सरकारों ने वादे करते रहे, देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवानों के लिए यही चलता रहा। हम आए और आज मुझे बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि मां भारती के लिए जीने मरने के लिए निकले हुए जवानों का ORP का सवाल हमने पूर्ण कर दिया और ORP देना शुरू कर दिया। अभी 2 महीने पहले जब उनके बैंक अकाउंट में पैसे गए तो उनके लिए कोई खुशी का, अरे कल्पना नहीं कर सकते, धमाधम चेक आना शुरू हो जाए तो उसके जीवन में कितना बड़ा आनंद होगा। देश के फौज के लिए जीने मरने देश के लिए मरने जीने वाले लोग
उनको जीवन में कितना संतोष हुआ होगा। हाँ, देश मेरी चिंता कर रहा है, मेरे परिवार की चिंता कर रहा है, इस काम को हमने पूरा कर दिया। बांग्लादेश, कभी कभी लगता है कि पड़ोसी देशों के साथ समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आज जहां बांग्लादेश है वहां पूर्वी पाकिस्तान था, एक जमीन का विवाद तब से चल रहा है। 72 में बांग्लादेश अलग बन गया, तब भी यह सवाल चलता रहा। एक विवाद था पानी के बंटवारे का, समुद्र का पानी कहां उनकी सरहद होती कहां हमारी होती, और दूसरा था सीमा का। आपको जानकर के खुशी होगी, हमारी सरकार आने के बाद किसी भी प्रकार की गोली चले बिना, किसी भी प्रकार का संघर्ष हुए बिना बांग्लादेश के साथ बैठ करके सीमा का विवाद समाप्त हो गया। भारत में जिनका आना था वो भारत में आ गए, जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश हो गए, सीमा तय हो गई। अब वहां फेंसिंग लग जाएगी, घुसपैठ का जो बीमारी है वो भी बंद हो जाएगी और दोनों देश सुख चैन से जिंदगी गुजारेंगे। पानी का विवाद था वो भी नहीं, दुनिया के सामने हमने मिसाल रखी कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत से मसले सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ पड़ोसी हैं जिनके पास गले नहीं उतरती, अब पड़ोसी कैसे बदलेंगे? लेकिन उनको भी समझ आएगा, कभी ना कभी समझ आएगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है भाइयों की अनेक ऐसे काम जो इस सरकार ने विकास की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाया, उसका परिणाम यह आया है कि देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने मेरी एक नरेंद्र मोदी ऐप है, आप मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं हमेशा आपकी सेवा में मौजूद रहता हूं, तो लोग मुझे कुछ कुछ लिखा करते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं। मुझे यहां आने से पहले आपके ब्रसेल से हेमवर्ग से कुछ लोगों ने मुझे सुझाव भेजे हैं, कोई रोहित अरोड़ा है, कोई चंदा ओरगांव पर है, कोई कांता ओडिंदो है, कोई प्रकाश अडवाणी है, कोई सुशांत गुप्ता है, और सब लोगों ने मुझे भारत और बेल्जियम और यूरोप के संबंधों को कैसे मजबूत बनाया जाए इसके विषय में मुझे सुझाव देते हैं। कुछ लिखने वाले छोटे बच्चे भी हो गए, उस प्रकार का भी लिखा है बच्चों, लेकिन मैं इसे पढ़ता हूं, ये मुझे बड़ी ऊर्जा देता है। ये जो मेरे साथ जो संपर्क बनाए रखते हैं, कोई डॉक्टर सचिन और डॉक्टर रुता, उन्होंने इंडियन कम्युनिटी और खासतौर से बच्चों में भारतीय संस्कृति की समझ कैसा पढ़े और भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन में भारतीय जीवन शैली कैसे आए इस बारे में अपने प्रयासों के बारे में लिखा है। अब बताइए परिवार उनका, बच्चे उनके, और संस्कार का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया गया। लेकिन मैं खुश हूं, मैं उनका आभारी हूं कि दोनों डॉक्टर होने के बाद भी उनका इरादा है कि बच्चे भारतीय परंपरा में पले बढ़े, यहां के परंपरा में न पले पले, ये खुशी मिली। कोई सुभाष नामियार है, उनकी 7 साल की बेटी मीनाक्षी नामियार, उसने बड़ा मजेदार बात लिखी, उसने लिखा है कि मेरे पास जो पैसे जमा होते हैं वो सारे पैसे मैं हिंदुस्तान में किसी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दे देना चाहती हूं। मैं मीनाक्षी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उसने मुझे मेरे ऐप पर ये लिखा है,
कि मेरे पास जो कुछ भी पैसे कोई मिलते हैं कभी कभी त्योहार में, वो मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना चाहती हूं। खैर, नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से मुझे देश और दुनिया के हर छोटे मोटे से संपर्क रहता है। आप भी मुझसे संपर्क बनाए रखिए, उसमें सरकार के कामों की भी बहुत सारी जानकारियां रहती है, वो जानकारियां शायद आपको काम आ जाए। इस बार बजट में जो नॉन रेसिडेंशियल के पास अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो उनको हायर रेट्स टीडीएस लिया जाता है। अभी हम लोगों ने इस बजट में एनआरआई के लिए कोई भी अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट होगा तो भी उसको हायर रेट टीडीएस की झंझट से मुक्ति मिल जाए। अब पोर्ट और एयरपोर्ट पे सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हो जाएगी। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कस्टम बैगेजेस रूल्स और अधिक सरल बना दिए जाएंगे। अभी जो फ्री बैगेजेस की जो लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। कुछ ले आई है ना देश में। हम लोगों ने एफडीआई में कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। कोई एनआरआई की कंपनी या उसका ट्रस्ट अगर भारत में एफडीआई निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जैसे कोई हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का नागरिक जिस नीति नियमों से इन्वेस्टमेंट करता है वैसे ही सारे लाभ एनआरआई को भी दिए जाएंगे। अब तक उसमें उसको और कठिनाइयां रहती थी, अब उसको हमने निकाल दिया है। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग में भी 100% एफडीआई को ओपन अप कर दिया है। ई कॉमर्स, चाय कॉफी के प्लांटेशन हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने काफी सुधार किए हैं। बाकी तो कई बातें हैं, जो हम मदद नाम का एक पोर्टल चलता है, किसी भी एनआरआई को कोई तकलीफ हो तब मदद पोर्टल पे जाकर के तुरंत अपनी बात बता सकते हैं। आज विश्व भर में पहली बार विश्व विभाग के साथ, भारत की फॉरेन एम्बेसीज के साथ भारतीयों का नाता एक अलग बनता जा रहा है, एक दूसरे को मदद का माहौल बनता जा रहा है। ये अपने आप में एक सुखद परिणाम है। छोटे मध्य बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने जो प्यार दिया मैं उसका बहुत आपका आभारी हूं। लेकिन हम जहां भी हो हम कोशिश करें कि हम भारत के एक सच्चे लोकदूत हैं। दुनिया की किसी भी भाषा का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके दिल दिमाग में भारत की गौरव गाथा, भारत का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, टूरिज्म, उसमें हम जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करें। भारत में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि विश्व के लोग भारत को देखने के आतुर हो। भारत में रोजगार की संभावनाओं के अनेक क्षेत्र हैं, उसमें टूरिज्म क्षेत्र है। भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% लोग, 65% लोग 35 से नीचे की उम्र के। जिस देश के पास ऐसी जवानी हो वो देश हर सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। और उसी विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश नई ऊंचाइयों को पार करता रहेगा, देश पूरी ताकत से आगे बढ़ता चला जाएगा। और भारत जिन सपनों को लेकर के निकला है
उन सपनों को पूरा करेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।